બે મિત્રો સાયકલ પરથી યાત્રા કરીને 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરશે. દિલ્હીથી યાત્રા શરૂ કરશે, 15,000 કિલોમીટરની મુસાફરી કરશે. બંને મિત્ર દેશના 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા સાયકલ પર કરીને દરેક શિવ મંદિરે દર્શન કરશે. સભી કો જય શ્રી રામ. મેરા નામ ભુવનેશ કુમાર જાગા હે ઓર મેં ગંગાપુર સિટી રાજસ્થાન સે રહેને વાલા હું. અભી મેં સાયકલ સે સંપૂર્ણ ભારત કે 12 જ્યોતિર્લિંગ ઓર ચાર ધામ કી યાત્રા પર નિકલા હું, જો કી પૂરી મેરી 15,000 કિલોમીટર કી યાત્રા હે. इसमें करीब मैंने 8,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूर्ण करके अपने 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं. अभी मैं गुजरात में हूँ और इस यात्रा का जो मेरा मेन मोटिव उद्देश्य है वो अपने सनातन धर्म की जागृति का है और इसी के साथ आज के युवाओं का एक संदेश है कि वो अपने अपने हेल्थ के लिए प्रति सचेत हो जाए. और जो साइकिल का जो मेरा साइकिल से जो मैं निकला हूँ इसका यही कारण है कि नए नए अनुभवों को लेना. ज़्यादा दूर तक अपन साइकिल से चलते हैं तो अलग अलग रोज नए लोग मिलते हैं तो एक अलग ही अनुभव मिलता है. अपने धर्म की जितनी भी संस्कृति है उन सभी को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सभी को अपने धर्म के लिए जोड़ रहे हैं. मैं 14 फरवरी ब्लैक डे के दिन निकला था अपने घर से, अपने जो पुलवामा में अटैक में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे उनकी याद में उनको एक समर्पित करने के लिए मैं अपनी यात्रा प्रारंभ की थी मैंने. और मेरे को पाँच महीने मुझे करीब हो गए, 8,000 किलोमीटर का सफ़र अब तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. और अभी आप कहाँ पे जाने वाले हो, कितना दिन यात्रा है या पूरी होने वाली है? अभी करीब मेरे को 6 महीने और लगेंगे, करीब करीब ये साल पूरा इसी यात्रा के अंदर ही हो जाएगा हमारा. और अभी साउथ के अंदर जितने हमारे 6 ज्योतिर्लिंग बाकी है वो अभी सभी दर्शन के लिए हम जाने वाले हैं. हाँ, सभी को जय श्री राम. मेरा नाम राजन सनातनी है और मैं बेसिकली बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ. लेकिन दिल्ली से 10 जनवरी को मैं निकला था अपनी साइकिल से. भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम मैं यात्रा कर रहा हूँ. 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेरे पूर्ण हुए और अभी मैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग दक्षिण में जो लगभग 7 ज्योतिर्लिंग बाकी है उनके दर्शन करने के लिए मैं निकला हूँ. और अभी मैं गुजरात में हूँ फिलहाल. और मेरी इस यात्रा का 2 उद्देश्य है. एक है सनातन धर्म की जागृति का, जो सनातन धर्म में जातिवाद का जहर बोया गया है हमारे समाज के अंदर, उस जातिवाद के जहर को समाप्त करना है. और वो समाप्त तब होगा जब हम और आप एक साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी विचारधारा में बदलाव लाएंगे. दूसरा है कि हमारे सनातन धर्म की देवी देवताओं का अपमान किया जाता है पोस्टरों के माध्यम से, चित्रणों के माध्यम से, तरह तरह के बीड़ी गुटखा तंबाकू और अखबारों के माध्यम से. तो वो अपमान बंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपमान, जब तक वो चित्रण बंद नहीं होगा तब तक हमारे सनातन धर्म का सम्मान भी नहीं हो सकता है. और आजकल हर तरह लोग, नेता हो या फिर अभिनेता, हमारे सनातन धर्म को टारगेट पर रखा जाता है कि किस प्रकार से इनकी आत्मा को आहत पहुंचाए. और देख ही रहोगे कि सोशल मीडिया पे भी लोग जो है सनातन धर्म को लेकर तरह तरह की टिप्पणियाँ, तरह तरह का बयान देते रहते हैं. तो आप सभी सनातनियों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मेरी यात्रा में मेरा सहयोग करें. और जहाँ कहीं भी आपको दिखे कि सनातन धर्म के ऊपर बात आ रही है वहाँ आप अपने ज्ञान के अनुसार आप वहाँ पे बात करें, उनकी बातों को रखें और जो बात सही हो उनको बताएं. क्योंकि सनातन धर्म की एकता और सनातन धर्म की अखंडता बनी रहनी चाहिए और वो तभी बनी रहेगी जब हमारे और आपके विचारों में बदलाव लाएगा. तो सब लगभग मेरे 5.5 से 6,000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पूर्ण हुआ है. लगभग 6 महीने मुझे हो गए हैं दिल्ली से निकले हुए और अभी 6 महीने का सफ़र और बाकी है. अगले 6 महीने में लगभग 9,000 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पूरा करना है. तो अभी आप जा रहे हो जी, जहाँ पे रुकते हो क्या क्या साथ में लेते आए और कैसा लग रहा है? मैं अपने साथ कैंपिंग टेंट लेके चल रहा हूँ, स्लीपिंग बैग तो था वो केदारनाथ के बाद फिर मैंने वो शिफ्ट करवा दिया घर पे. बाकी इसमें कपड़े हैं और कुकिंग का सेटअप वगैरह है तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं है. टेंट लेकर चला हूँ लेकिन खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है क्योंकि महादेव नारायण किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर जाते हैं. तो रास्ते में 100 में से 10% लोग ऐसे हैं, अभी भी 30% लोग जो मदद करने के लिए आगे आते हैं और वो किसी भी तरह से तन मन धन जिन प्रकार से वो सहयोग होता है उनका वो करते हैं. तो लास्ट प्रश्न, आप जो अभी साइकिल लेकर निकलते हो जी, चलाते हो रात को? नहीं नहीं, दिन में लगभग 4 से 5 घंटे साइकिल चलता है, कभी कभार 6 घंटे भी चलता है. तो दिन में जो है लगभग 70 से 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर साइकिलिंग जो है वो चला लेते हैं. और कैसा फील हो रहा है आप जो यहाँ पे साइकिल लेकर निकले? देखो ये फील ऐसा है कि अब एक वही बात होगी कि किसी आप इंसान को पूछोगे कि भैया आप मीठा खाते हो, बोलेगा हाँ, बोला आप कितना मीठा खाते हो, तो जो खाएगा मीठा उसी को पता चलेगा कि कितना मीठा लगता है. तो इस यात्रा का अनुभव हमें ही पता चल रहा है कि इस यात्रा में क्या क्या अनुभूति हो रही है और कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं. हर हर महादेव.